मैडम जी, मैडम जी, हां जी, क्या कौन है आप? मैडम जी, मैं हूँ जमुना जी। तो के करूं जी? मैं हूँ किसी के प्रेम की क्यारी, दुखियारी, बेचारी, जमुना पहाड़न। बाबूजी, जमुना पहाड़न। तो हमें क्या यहाँ 17 का पहाड़ रटवाने आई है तू? नहीं जी, रपट लिखाने जी। बाबूजी, किसके खिलाफ? बाबूजी के खिलाफ? नहीं जी। मैडम, हुआ ये जी कि हम पहाड़ों में रहने वाले कवि की लड़की, जिसे देख के शहरी बाबू की तबीयत फड़की जी। फिर क्या हुआ? फिर वो शहरी बाबू जो हमारे पहाड़ों में मनाने आए थे छुट्टी जी, हमें पिला गए प्रेम की घुट्टी जी। हुई 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 हुई। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन में प्यार हुआ जी, और हुई शादी जी, और फिर हुई हमारी बर्बादी जी। समझ गया, मतलब तुम माँ बनने वाली हो। नहीं जी, सिर्फ शादी हुई जी, मिलन नहीं। बाबूजी, इट्स अ फॉल्स अलार्म। ऐसा है थारी कहानी, मैं समझ गई हूँ। थारी कहानी यो है कि भाई एक परदेसी शहरी बाबू जो है शहर से जो है पहाड़ों में जावे, वहां उसको एक पहाड़ी छोरी गोरी यानी कि तू पसंद आ गई, उससे कर ली शादी, प्रेम हो गया, और फिर जो है अगले दिन शहरी बाबू शहर भग गया। फिर तू उसे ढूंढने शहर पहुंची और वहां उसने तेरे पहचानने से इनकार कर दिया। इट्स अ टिपिकल जो है फिल्मी स्टोरी। ऐसी मैंने कई फिल्में देखी है, मंदाकिनी, सिरदेवी, कब आएगा हमारे बंजारे टाइप। नहीं जी, श्याम बाबू करते हैं मुझसे प्यार जी, फिर कैसे कर सकते हैं मुझे पहचानने से इनकार जी। अरे तो फिर शाम तेरी जमुना मेली प्रॉब्लम क्या है? मैडम जी, उनके मौसी मौसा जो पकने नहीं दे रहे मेरे प्यार का समोसा, उन्होंने श्याम बाबू से मिलने नहीं दिया जी, धक्के मार के मुझे निकाल दिया घर से जी, और मैं दूर हो गई अपने वर से जी। अरे इन सहेलियों को इनका कंपटीशन करने दे, तू जाके जो है उसके शाम बाबू के जो है मौसा मौसी को बुलवा, चल। मैडम मौसा मौसी। मैडम, माई सेल्फ एडवोकेट फंदा खरबंदा कोट झाड़ के खीता खरबंदा, मैं कैसे लग रही हूँ? और ये कौन है? हरियाली। वेल ये अरे सोच क्या रहे हो, ये आपका बेटा है? ये हमारा बेटा है कोट झाड़ के। नामकरण तो करा होगा या टाइम ना मिला नाम रखने का? नामकरण हुआ है ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गोलू है, नाम तो है। ओके, वन मिनट प्लीज। बेबी जमुना, कम हियर प्लीज। वेल एक्सक्यूज मी। अबे चल हट हट। भाई गल ये है, इस कुड़ी ने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है, इसने कहा है कि आपके भांजे की शादी इसके साथ हुई थी, जब ये उससे मिलने गई आपने मिलने नहीं दिया, धक्के मार के वहां से निकाल दिया, इज इट ट्रू? झूठ है, सरासर झूठ है कोट झाड़ के। मैडम, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि ये लड़की एक नंबर की झूठी है, धोखेबाज है। डैडी जैसे झूठे और धोखेबाज आप हैं, आप तो हैं। गोलू बीच में मत बोलो, जब मैं बोलूं कोट झाड़ के।
हाँ, थारे कहने का मतलब यो है कि यो जो छोरी है यो झूठ बोल रही है, इसकी शादी ना हुई थारे साम के संग। एक मिनट। अरे जमुना, तुम्हारे पास शादी का कोई सबूत है? सबूत है जी, मेरे श्याम जी, वो एक बार आ जाएं तो मुझे पहचान लेंगे जी। जमुना जमुना कह के मेरा नाम लेंगे जी। बाबूजी, शाम को साथ क्यों ना लाए? मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि वो बीमार है, कोट झाड़ के आधा पागल है वो। डैडी, जैसे आधे पागल आप हैं, आप तो हैं। बोलू, बीच में मत बोलो जब मैं बोलू। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, शाम को यहाँ बुला लेते हैं और देख लेते हैं वो कितना पागल है। मैं एक बार फिर गीता के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि यह सब इस लड़की की चाल है। हुई 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 हुई। ये लड़की पैसे की लालची है, ये भूखी है कोट झाड़ के। डैडी, जैसे पैसे के लालची और भूखे आप हैं, आप तो हैं। बोलू, बीच में मत बोलो जब मैं बोलू कोट झाड़ के। मैडम, शाम यहाँ नहीं आ सकता। भाई आएगा तो शाम का बाप भी, और उसे तू लाएगा। आएगा जी, आएगा। मैं कैसी लग रही हूँ? चलो बेटा, चलो चलो कोट झाड़ के। चलो 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 जी। बाबूजी, ईट दिस इन द मीनवाइल, ईट। इसको कोई फिल्म विलम दिखाओ यार, हिमालय की गोद में टाइप। बिजी रखो इसे। आइए आइए बाबूजी, बाबूजी। मैडम, ये है शाम। ओ वॉचमैन, और ये मुझे कहाँ ले आयो? और साथ में ये धोबन भी लायो। देख रही हैं आप मैडम, ये मुझे वॉचमैन और अपनी मौसी को धोबन कह रहा है कोट छाड़ के। हाँ भाई, यो ये थारा साम जी। जी मैडम जी, मैं हूँ बर्फी, ये है मेरा काला साम जी। बाबूजी, बाबूजी। लेडी राज कपूर जी, अगर आपका हो गया तो मैं कुछ कहूँ? तुम इस लड़की को पहचानते हो? ओ ड्राइवर, ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाके गाड़ी निकालो। मैं ड्राइवर? अब सर जैसी शक्ल होगी वैसे ही पुकारेगा ना। ओए माली, तुम बाहर जाओ, जाकर घास काटो। जैसी शक्ल होगी वैसे ही पुकारेगा ना भाई। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, प्लीज मैं बात करता हूँ। हाँ भी काके, इस कुड़ी का कहना है कि ये तुम्हारी बीवी है, तुमने इसके साथ पहाड़ों में घोर जाड़ों में शादी की थी। ओए रामू काका, आज तुमने मेरे रूम में झाड़ू नहीं लगाई, जाओ जाकर झाड़ू लगाओ। ओ सामजी, पहचान रहा तू इस छोरी ने? पहचानिए पहचानिए बाबूजी, पहचानिए, मैं जमुना, जमुना पहाड़न बाबूजी, बाबूजी। नहीं पुष्पा, हाय, मुझे कुछ ही याद नहीं आ रहा है। सुन लिया? अब तो यकीन आया ना मैडम आपको? मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि ये लड़की मक्कार है योर ऑनर कोर्ट छाड़ के। डैडी, जैसे मक्कार आप हैं, आप तो हैं। बोलू, बीच में मत बोलो जब मैं बोलू कोर्ट छाड़ के। हाँ सही है, यो वकील सही कह रहा है, निकलो सब लोग, थाना खाली करो, आउट। थैंक यू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अबे अगर सच बोल दूंगी ना तो पानी की टंकी से कूद मरेगी बिल्कुल ही, निकलो। चलिए, थैंक यू, चलो चलो जल्दी। बाबूजी, बाबूजी।
मैडम जी, अब मेरा क्या होगा मैडम जी? एक बात बता तुमन ने, यो जो धारा साम जी है ना, जब यो पहाड़ों में आया था, थारे से मिला था, तब भी ऐसा था, बावड़ा सा, लोगों के जो है गलत नाम ले रहा, पहचान ना रहा था? नहीं जी, ऐसे नहीं थे जी। ओहो, फिर तो मामला गंभीर दिखे और हमें इसकी तह तक पहुंचाएगा गोलू। ये तुम क्या कर रही हो? कर तो रही हो। मैं जीना ना चाहती, मन्ने मरना है, मरना मरना। लेकिन क्यों? तुम तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, फिर तुम मरना क्यों चाहती हो? चाहती तो हो। बस यो ही तो बात है, सब मन्ने पुलिस 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 कह बे, मन्ने कोई प्रेम ना करता, कोई प्यार ना करता हमारे से, सब मारी वर्दी देखते, कोई वर्दी के पीछे छुपी लड़की को ना देखते। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर की छुपी हुई उस लड़की को, देख रहा हूँ। देख तो रहा हूँ। सच? छोड़ो ना हाथ, हाथ छोड़ो ना, मुझे शर्म आ रही है। आ तो रही है। पहले बोलो जो तैने कही वो बात सच है? ना, अगर तू भी मुकर गया तो मारे बापू घने गरीब आदमी से। अरे तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। पैसे तो हैं। सच्ची? हाँ। तो तुम्हारे डैडी से आके शादी की बात करेगा चौकी में? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि शादी के बाद मैं तुमको चांदनी बुला सकता हूँ? बुला तो सकता हूँ। चांदनी? ओके। नहीं, बात करें हमी। गोलू इज कमिंग। ओके, बाय। को बुलाती हूँ, उससे शादी की बात कर ले तू आज, ओके? डैडी, डैडी। बेटे। डैडी, दिस इज गोलू, गोलू दैट्स डैडी, डैडी आई लव गोलू और ये हमारे से शादी भी करेगा। तूने क्या कह दिया बेटी? बेटी हम लोग तो बहुत ही गरीब लोग हैं, पर गरीबों की बेटी से ये अमीर लोग सिर्फ प्रेम का नाटक करते हैं बेटी। पहले तो कहते हैं कि यू आर वेरी स्वीट, और जब मन भर जाता है तब कहते हैं आई वॉन्ट टू क्विट। But daddy, Golu is not like that. Golu है ना? लेकिन एक बाप का दिल ये बात कैसे माने बेटी? बोल ना गोलू। अंकल, मैं आपकी बेटी से लव करता हूँ और इससे ही शादी करूँगा। शादी तो करूँगा। बेटा गोलू, एक बात समझ ले कि हम लोग बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब, मतलब पॉवर्टी लाइन के भी नीचे। तो बेटा मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से करूंगा जो मेरी गरीबी की चादर को अमीरी के वॉशिंग पाउडर से धो सके। बेटा तेरे पास वॉशिंग पाउडर है? है, वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन भी है। आई एम वेरी रिच। रिच तो मैं हूँ बेटा। आपके जो बार बार रिच रिच बोल रहे हैं, मतलब ये जो साला पैसा है ये बेटा आपका है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आपके बाप का है? नहीं, ये मेरे मौसा मौसी के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब इसके मालिक हम हैं। मालिक तो हम हैं। ओए होए 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 होए। लेकिन गोलू, थारा वो एक भाई भी तो है ना साम, जायदाद तो उसकी है ना गोलू? अरे वो तो पागल है, उसको तो हम लोग दवाई खिलाते रहते हैं ताकि उसको कुछ भी याद ना रहे। असली मालिक तो हम हैं। मालिक तो हम हैं। लेकिन बेटा वो जो शाम है, उसकी कल लगे शादी हो गई तो, उसके कुछ बच्चे बच्चे हो गए तो? 100 बिल्लियां सुसाइड करके मरी थी तब मेरी मम्मी पैदा हुई, और 100 कुत्तों को भगा भगा के मारा था तब मेरे डैडी। वो उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे, और जायदाद
हमारी ही रहेगी, जायदाद तो हमारी रहेगी। तो ठीक है बेटा, आज एक बाप के दिल से तुमने एक बड़ा सा बोझ हटा दिया। अब मैं आप दोनों की शादी कराऊंगा बेटा, जरूर कराऊंगा। अब मेरी बेटी पराई हो जाएगी और ये बाबुल अकेला रह जाएगा। गोलू, डैडी इमोशनल हो रहे हैं। तू जा, मैं थारे से बाद में मिलूंगी। आई टेक केयर। ओके बाय। बाय गोलू। बाय तो बाय। बाय गोलू। बाय बेटा गोलू। बाय बाय। ओह ये मम्मी जी, मामला क्लियर हो गया जी। मामला तो साफ हो गया है। उस बेचारे स्वाम को गोलियां दे दे के दवाइयां खिला खिला के पागल बना रखा है उसके मौसा मौसी ने। मैडम जी, अब क्या होगा जी? शाम की जमुना मैली रह जाएगी जी, मेरी उम्मीदों की थैली खाली रह जाएगी जी। बाबूजी। हाँ जी जी मम्मी जी, इसके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा जी। अगर वो लोग ऐसी उसको दवाइयां खिलाते रहे, वो कभी भी इसको पहचान नहीं पाएगा जी। अरे जुल्म सिर्फ इसके साथ ना, बल्कि उस शाम के साथ भी हो रहा है। उसके मौसा मौसी उसे दवाइयां खिला खिला के पागल कर रहे हैं कि वो किसी को पहचान ना पा रहा। दीप तो मैं उस शाम को उसके मौसा मौसी के चुंगल से छुड़ा के ही रहूंगी, और जब तक तुम दोनों की शादी ना करा दूं, तब तक चंद्रमुखी चौटाला चैन से ना बैठेगी।